इग्नू हो, कोई रेगुलर यूनिवर्सिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है आप कितना जानते हो। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि व्हाट्सएप में मुझे किसी ने पूछा था। तो वो दो सवाल ये था कि MCA करके जॉब कैसे मिलेगा फर्स्ट, एंड दूसरा इग्नू से करके कुछ होगा क्या। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये दो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि MCA करके जॉब कैसे मिलेगा। देखो MCA हो या फिर BCA हो, कुछ भी हो सकता है, तो जॉब कैसे मिलेगा, कैसे को हटा दो, क्वेश्चन लगाओ क्यों मिलेगा। देखो कोई भी कंपनी तुमको हायर करेगा तो तुम्हें कुछ क्वालिटीज होना चाहिए। जिस फील्ड में तुम जाओगे, जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस फील्ड में तुम्हारा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल पूछो कि क्यों मिलेगा, क्यों मैं इस फील्ड में क्यों जाना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं ही क्यों। ये जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो एक्चुअली खुद से पूछो कि मुझे ये जॉब क्यों मिलनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो तुम्हारा इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तुम्हें अच्छा लगता है, अभी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने PHP को चूज किया, अभी PHP को क्या करना है, सीखना है। 6 महीना हाथ में लो और सीखो एक लैंग्वेज को, और उससे कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट बनाओ, हो सकता है कॉलेज के लिए ही प्रोजेक्ट बनाओ। अभी उस लैंग्वेज के देखो 6 महीना तुमने दिया है तो उस लैंग्वेज के ऊपर दो, और लैंग्वेज को सीखते सीखते और लैंग्वेज को सीखने के बाद उसका जो फ्रेमवर्क आएगा वो भी सीखो, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड फील्ड में देखो, तो ये हो गया सीखना, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। दूसरा, जो अपने फ्रेंड सर्कल होंगे या फिर जो आपसे सीनियर होगा, तो वो सर्कल आपके लिए बहुत जरूरी है। एक कुछ आप वो कहते हैं ना कि अच्छे संघ में होना चाहिए। अच्छे संघ मतलब क्या है, अच्छे संघ का तुम्हारा जो रिलेटेड फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल तुम एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो, मैं अगर पूछता हूँ तुम कितने वेब डेवलपर को पहचानते हो, या फिर तुम्हारे कितने वेब डेवलपर के साथ दोस्ती है, बोलोगे एक भी नहीं, तो फिर तुम जिंदगी में नहीं बन पाओगे। तो अपना जो लिंक है उसे बढ़ाओ, ठीक है। तो ये सेकंड चीज आपको करना है, सीखना है और साथ ही साथ अपना जो लिंक है उसे बढ़ाना है। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी देखो माइंडसेट ऐसा होना, हमको जॉब क्यों नहीं मिलता, जॉब इसलिए नहीं मिलता कि हम जॉब करना नहीं चाहते, बेसिकली ये है। अभी थोड़ी ना ऐसा है कोई कंपनी में जाएगा, कंपनी ऐसे ही तुम्हें ले ले, ठीक है। कंपनी का एक पोजीशन है, तुम बोलो मुझे जॉब चाहिए, अरे देखो भाई भिखारी नहीं है, जॉब चाहिए नहीं, मैं डिजर्व करता हूँ एज ए फ्रेशर, मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूँ, एज ए फ्रेशर मैं डिजर्व करता हूँ, कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ मैं, राइट। तो ऐसा माइंडसेट रखना चाहिए और इस तरह से चीजों को सीखना चाहिए। अभी देखो कुछ भी चीज से को, फॉर एग्जाम्पल आपने PHP सीखा, आप जॉब करो या ना करो बैठे नहीं रहोगे, काम मिलता रहेगा। काम कैसे मिलेगा, फ्रीलांसिंग में काम मिलता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपने थॉट प्रोसेस को बनाओ कि कैसे मुझे काम मिल सकता है, मैं तो PHP जानता हूँ, मुझे वर्डप्रेस में इतना काम आता है, मैं वर्डप्रेस में फटाफट से साइट बना सकता हूँ। तो ये जो माइंडसेट है तो ये चेंज करो। मैंने एक एग्जांपल दिया वेब डेवलपमेंट, अब कुछ भी हो सकता है। देखो फॉर एग्जांपल आप नेटवर्किंग में जा सकते हो, आप DBMS में जा सकते हो, आप टेस्टिंग में जा सकते हो, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो, लेकिन उस फील्ड में थोड़ा हाथ पक्का करना पड़ेगा कि एज ए फ्रेशर तुमको जॉब ऑफर मिले। अभी जो पॉइंट आता है कि हम ट्राई कैसे करें, हमने तो सीखा सब कुछ, अभी ट्राई कैसे करें। अभी ट्राई करने के लिए बहुत सी चीज़ें, जस्ट कुछ भी ऑनलाइन पोर्टल खोलो और जहाँ पे जॉब इंटरव्यू का जो लिस्ट रहता है उसमें सर्च करो, जस्ट गूगल पे जाके सर्च करो और जितने भी पोर्टल मिलेंगे जॉब का उसमें सब साइन अप कर दो और अपना CV अपलोड करके रख दो। और जितने भी प्रोजेक्ट देखो, 2-3 प्रोजेक्ट आपके हाथ में होना चाहिए, इतना मैंने काम किया, चाहे आप ऐप डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, वेब डिज़ाइनर हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, जावा में काम करना चाहते, कुछ भी हो, आपके पास एटलीस्ट 3 नहीं तो 2 प्रोजेक्ट तो आपके पास होना चाहिए, जिसके बेस पे देखो एक फ्रेशर का एक्सपीरियंस कैसे डिसाइड होगा, एक फ्रेशर का एक्सपीरियंस कैसे डिसाइड होगा, उसने कितना प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो हो सके तो किसी, फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है और वो कुछ सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर या फिर
वेबसाइट बनाना चाहता है, वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो उसको बना दो, फ्री में बना दो, तो आपका भी सीवी में कुछ इंक्लूड हो जाएगा, आपका भी फायदा, उसका फ्री में बन रहा है उसका क्या जाता है, राइट। तो अपने सीवी को इंक्रीज करके रखना है। तो इसके बाद जब आप सीवी पे सीवी अपलोड करोगे, ये सब करोगे, और जहाँ पे भी फ्रेशर इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे इंटरव्यू देने चले जाओ। देखो, छोटी से छोटी कंपनी भी बुरी नहीं है, सिंपल सी एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में बड़ी कंपनी में हो सकता है आपको जॉब ना मिले, कोई मैटर नहीं करता, छोटे कंपनी से स्टार्ट करो, छोटे कंपनी में स्टार्ट करो। अभी छोटे कंपनी में फ़ायदा क्या होगा आपका, आप वहाँ पे ए टू जेड सब कुछ सीखोगे। बड़े कंपनी में काम डिवाइड हो जाता है, छोटे कंपनी में काम सबको सब काम आपको खुद करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े कंपनी में ऐसा होता है कि टेस्टिंग का एक अलग डिपार्टमेंट, वेब डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो तीन चार हिस्सों में डिवाइड हो गया, फिर वेब डिज़ाइनिंग का भी पार्ट तीन चार हिस्सों में डिवाइड हो गया। लेकिन जब आप छोटे कंपनी में जाओगे वहाँ पे क्या होगा, देखोगे आप वेब डिज़ाइनिंग एक कर रहा है और वेब डेवलपमेंट एक कर रहा है, और वहाँ पे तो टेस्टर होता नहीं है, आप टेस्टिंग भी आप खुद करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इतना नॉलेज आपको गेन होगा कि भाई ज़िंदगी में कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, राइट। तो भाई हाथ नहीं फैलाना मतलब खुद के एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, और एक्सपीरियंस जॉब ना करते हुए कैसे बढ़ेगा, ये सब काम करके, प्रोजेक्ट करके, ठीक है। तो अपना एक्सपीरियंस गेन करो, भीख नहीं मांगना किसी से, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट जो उनका क्वेश्चन था वो ये था कि इग्नू से करके कुछ होगा क्या। देखो भाई, इग्नू हो, कोई रेगुलर यूनिवर्सिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है आप कितना जानते हो, उससे बड़ा कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इग्नू, देखो भाई, अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात किया जाए तो, मतलब ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात किया जाए तो इग्नू सबसे ऊपर आता है। तो आपको आप तो यूनिवर्सिटी पे गए थे कुछ जान के ही, सुन के ही गए थे इग्नू एक अच्छा यूनिवर्सिटी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये माइंडसेट दिमाग से निकाल दो, इग्नू से करके कुछ होगा क्या। जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनका भी यही रहता है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के कुछ होगा क्या, खुद के स्किल का क्या भाई, खुद के स्किल का क्या, खुद के एक्सपीरियंस का क्या, क्या तुमने किया है, ठीक है। तो रेगुलर हो, इग्नू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना जानते हो, कितना खुद से अचीव करते हो, ये मैटर करता है, ठीक है। तो होप कि मैंने ये क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया कि ये कोई मैटर नहीं करता, और ये भी बता दिया कि भाई गूगल सर्च करके देख लो कि ओपन यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट कौन है, इग्नू है। तो ये ख्याल भी दिमाग से हटा दो कि इग्नू से करके, इस बात का गारंटी है कि इग्नू का सर्टिफिकेट अगर कोई आप कहीं पे दिखाओगे तो वो एक्सेप्ट करेगा और आपको इंटरव्यू में बैठने देगा, ठीक है। तो इंटरव्यू तो बैठ जाओगे। अब वो बंदा जो सवाल पूछेगा, आप उसके लायक तो बनो कि सवालों का जवाब दो, ठीक है। तो ये बात, एट द एंड ऑफ द डे डिग्री मैटर नहीं करता, ठीक है। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम कितना जानते हो और तुम कितने चीज इम्प्लीमेंट किए हो, तो ये मैटर करता है। तो होप कि मैंने ये सवाल का आपको जवाब दिया है। तो दोस्तों, और आप भी, आपका भी कुछ सवाल है इस तरह का, या फिर इससे रिलेटेड, या फिर कुछ और, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अगर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रहा और उस पर लाइक ज़्यादा आया तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।